Amit sir, Ravi. Ravi from ABP News. Amit sir, late 80s में आपने एक फिल्म की थी अजूबा, जो एक पीरियड फिल्म थी शशि कपूर साहब की. अगर आपकी बात की जाए तीन दशक बाद, कितना कुछ आसान हो गया इस तरह की फिल्में बनाना, क्योंकि पहले VFX नहीं होते थे, इस तरह की टेक्निक नहीं होती थी, इस तरह के स्टंट्स नहीं होते थे, मॉडर्न स्टंट्स जिस तरह से फिल्माए जाते हैं. अब कितना आसान हो गया पिछले तीन दशकों में, अगर आपसे मैं पूछूं तो? आसान बिल्कुल नहीं हुआ है भाई साहब, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो और भी भयंकर काम करवाने लग गए हैं. कहें ये सब टेक्नोलॉजी से संभाल लेंगे, तो करना उतना ही पड़ता है. फ़र्क यह है कि शायद उस ज़माने में हमसे कम करवाते थे, क्योंकि हमसे संभव नहीं होता था करना. कहीं से कूदना हो, कहीं से गुलाटी मार करके जाना हो, तो वो छोटा रास्ता होता था या कम हाइट होती थी. अब कहते हैं सर 40-50 फुट के ऊपर से कूद जाइए, कुछ नहीं है, आपको बांध बूंद के ले आएंगे नीचे. तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से ये मत सोचिए कि हमारा काम जो है ज़्यादा आसान हो गया. हाँ, कुछ हद तक विजुअली इट हैज़ बिकम लॉट मोर प्रेजेंटेबल, लेट मी से. बट इन द ओल्डन डेज we actually chose you know the large locations, we actually went on location and shot there, aur jo kuch bhi karwaya wo ekdam immediate tha, isme ye nahi tha ki baad mein is pe kaam kiya jayega. So I would say ki zyada aasan to hua nahi tha. Amit ji hello ji, dekhiye Amir bhi hain, Katrina bhi hain, ji Amit ji bhi hain. Ek sawal, ek minute, inse baat karwaiye aap. आमिर, आप इससे पहले दो पीरियड फिल्में कर चुके, लगान और मंगल पांडे, और अब एक और पीरियड फिल्म आप कर रहे हैं, भले ही फिक्शनल हो. क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था जब आपने एक और पीरियड फिल्म में काम करने के बारे में सोचा? और दरअसल मेरे लिए कहानी अहम होती है, कब वो किस पीरियड में हो वो दैट्स नॉट द मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. और ठग्स जैसी फिल्म जो है, ये एक्चुअली आई थिंक इस किस्म की फिल्म मैंने तो नहीं देखी है हिंदुस्तानी पर्दे पर, जो उसका स्केल है, जो उसका माउंटिंग है, जिस किस्म के किरदार हैं. तो आई फील दैट इट इज समथिंग विच इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. और जो मेरा किरदार लिखा है विक्टर साहब ने, वो मुझे बड़ा पसंद आया. Yeah, firstly apologies, you passed by and I didn't recognize you in this getup. And secondly, you have always been wanting to work with Mr. Bachchan, we all know that. There was a quarter kind of working when he dubbed, he set the voiceover for Lagan. That's right. But there are two films which were shelved. So can you speak something about the experience, plus second time with Katrina and Fatima also? Yeah. Well, it's always been a dream for me. मेरे लिए एक सपना रहा है कि मैं अमित जी के साथ कभी काम करूं, और मेरे करियर को अभी 30 साल हो गए हैं, और मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मुझे. अच्छा भाई साहब, ये मंच जो है ये यहाँ पर सच बोल देना चाहिए. ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं सच नहीं है सर. तो हमेशा से मेरा ये सपना रहा है, और मेरे लिए एक्चुअली ये जो एक्सपीरियंस रहा है, एक वैन कैसे समझाऊं, एक जब एक बच्चा होता है और चॉकलेट के शॉप में जाता है, उसको सब चीज़ें बहुत कमाल की लगती हैं. तो मेरे लिए हर दिन ऐसा था कि मैं अमित जी के बगल में बैठता था, और उसी में मैं खुश होता था कि मैं उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, आज उनके साथ इस मंच पे हूँ. तो उसी बात से मुझे इतनी खुशी होती थी. ही इज समवन हु इज रियली समवन हु आई हैव लर्नड फ्रॉम, समवन हु इज सो ग्रेशियस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट हिम टिल टुडे. And really, it's been so wonderful. Thank you, sir. Thank you so much. Our next question, please. हाँ, दोनों के साथ काम करके मुझे बड़ा मजा आया. कटरीना के साथ तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है मुझे. और फैटी तो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं. दंगल में उन्होंने, आपने देखा ये काम, इसमें भी आप देखिए, बहुत खूब काम किया है. So it was great working with all of them and with Victor for the second time as well. So it was really wonderful. Yeah. Vijay ji, mera sawal aapse hai. The woman in the red on the right on top there. Film mein do itne namcheen hastiyan hain. Yashraj ki peshkash hai, itna acha lag raha hai trailer. Lekin fir bhi jaisa ki aajkal predict nahi kar sakte ki kaun si film chalegi, kaun si film nahi chalegi, kya kahin koi dar hai jo Friday aane wala hai jab ye film release hogi?
विक्टर का तो पता नहीं, मुझे तो बहुत डर है, मुझे हमेशा डर लगता है। सर कुछ कर लीजिए सर, सर अमित जी फिल्म चलवा दीजिए सर। अगर डर ना होता तो हम सब लोग यहाँ पहुंचे ही नहीं बाबू, सब बैठे। गुड आफ्टरनून, दिस इज विक्रम थापा फ्रॉम नेटवर्क 18 इन .com। माय क्वेश्चन इज टू कैटरीना कैफ। कैन यू हियर मी? साउंड्स लाइक ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द वीडियो, बट एनीवे। Right there, okay. Yes, can you hear me? No, thank you. Loud, we spotted you. Thank you, Rohini. Thanks. Okay, so my question is to Kathrina Kefka. Kathrina, you know, we saw you prepare for your role for Tiger Zinda Hai, and it was absolutely fabulous, considering the kind of hard work that you put into that action sequences, doing them yourself. But we were actually expecting you when Tugs was announced that you would be doing the same here as well. But it doesn't look like it. Did you miss out on it, or is this a suspense that will be unveiled later? Well, I think each film has a different character, and every film we look for something different. So what I'm doing in Thugs is very, very different from Tiger Zinda Hai. That was a completely separate film. That was an action franchise. In this film, my role is definitely less of the action and more of the other elements that are required for a film like this. So in terms of action training, it wasn't much required, but there was a lot of other kinds of work we've put into the role for this particular film. Fatima, my next question is to you. I mean, you're the youngest in this cast, and but all three of them bring this fabulous work ethics to the set. Yeah. What did you sort of learn when you have Amir the Perfectionist, you have Kathrina Kaif, and of course, Mr. Bachchan? Every day for me was going to a school, because I was learning so much. And when I first saw Sir Bachchan Sir, I was chup ho gayi, main kuch bol nahi paayi, main kuch, matlab, I couldn't say it back then, but I'm a big fan. Yeah, to kitna baat kar rahe hain aap? Arey, sir. But hamara ek scene hua tha jahan pe hum dono ek scene kar rahe the, and I was giving reactions to that new scene. So I was giving reactions, and matlab mere upar camera nahi tha, but even then I started crying, because I was getting affected by how he was performing, and felt like he was actually saying those things to me, and he was. But you know, so it's har roz wo अभी भी उतनी डेडिकेशन के साथ सब लोग काम करते हैं, और मुझे लगता है कि आई हैव टू लर्न सो मच, आई हैव टू ब्रिंग इन सो मच, बिकॉज दे हैव डन सो मच, बट आई एम स्केयर्ड दैट आई माइट नॉट बी एबल टू मैच टू एनी ऑफ देम, बट या फैबुलस आंसर, थैंक यू। मेरा सवाल अमित सर और रानी सर दोनों से, सेंटर से। सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि फिल्म जब शुरू होती है एक डिस्क्लेमर आता है, लिखा हुआ होता है कि ये फिल्म एक काल्पनिक है और ये किसी समुदाय या व्यक्ति को ठोस नहीं पहुंचाती, ठेस नहीं पहुंचाती, तो क्या आपको नहीं लगता सर इस फिल्म के टाइटल से और फिल्म से जो हिंदुस्तान के रियल ठग्स हैं उनको ठेस पहुंचती है? वाओ वाओ वाओ, उस सवाल के लिए तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर आपको बताना पड़ेगा कि ये किस और आपका ध्यान जा रहा है। दरअसल ये फिल्म ठग्स को सेलिब्रेट करती है, तो आई थिंक दे विल बी हैप्पी। अमित जी एंड आमिर सर, आलोक सेंटर से बात कर रहा हूं आपसे, ऊपर लाइट की इस तरफ। थैंक यू सर। सवाल ये कि कभी आप लोगों का किसी ठग से पाला पड़ा है असल जिंदगी में? जी अमित जी और आमिर सर, पहले आप बोल दीजिए।